24 सितंबर 2023 को श्री वैश्यवास ने कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा द्वारा पूर्वी दिल्ली के यमुना खेल परिसर में 21वां श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में देश के कोने कोने से वाष्णेय बंधु सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का प्रारंभ सुबह हवन से प्रायोजक श्रीमती रचना वाष्णेय एवं समस्त कार्यकारिणी द्वारा किया गया। अतिथियों व संरक्षकों ने सुबह से ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का उद्घाटन अनिल गुप्ता वृंदावन द्वारा किया गया। उनके बाद दीप प्रज्वलन प्रीति गुप्ता निगम पार्षद गोंडा व अन्य मात्र शक्तियों द्वारा किया गया। तत्पश्चात समारोह अध्यक्ष एडवोकेट वीके वाष्णेय द्वारा सभी सम्मानित अतिथियों को मंचासीन कराया गया। मंच पर समाज की विभिन्न विभूतियां सुमन वाष्णेय संरक्षिका अखिल भारतीय भारत सैनी महासभा विधायक बदायूं महेश चंद्र गुप्ता पूर्व चेयरमैन इस्लाम नगर वीरेंद्र लीडर कुश्ती महासंघ उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष कमल किशोर वाष्णेय अखिल भारतीय भारत सैनी महासभा युवा के अध्यक्ष विकास गुप्ता पतंजलि अनुसंधान संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुराग वाष्णेय एवं समाज के सभी लोग उपस्थित। कार्यक्रम में समाज के नन्हे मुन्ने बच्चे द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें विशेष कार्यक्रम वाष्णेय लेडीज क्लब ने दिया, जिसमें समाज की लगभग 90 महिलाओं ने संपूर्ण भारत की संस्कृति को गीतों व नृत्य के द्वारा दर्शाया। कार्यक्रम में विख्यात भजन गायिका मनीषा रावत व सुप्रसिद्ध भजन गायक हीरा पागल गोस्वामी द्वारा भी अद्भुत भजन संध्या प्रस्तुत की गई। आज का जो कार्यक्रम है जन्माष्टमी का, इसके उपलक्ष्य में क्या क्या कहना चाहेंगे? ये जो है यहाँ के वार्षिक समाज द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम जो है और 21 साल बेमिसाल, जैसे मैं अभी आया हूँ तो वास्तव में बहुत भव्य और सुंदर, इतना जो मैंने दृश्य देखा है, मैं पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में यहाँ पर आया हूँ। और जैसे मैं इन सबके चेहरों पर जो चमक देख रहा हूँ, उत्साह और उल्लास है, उससे मन में भी प्रसन्नता है कि वास्तव में बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम है। और भगवान कृष्ण का तो इस हमारे जो उन पापियों से हमें उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, और भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से हमारे जो धर्म की रक्षा की है, सत्य की रक्षा की है, इन सब के उद्देश्य में ये कार्यक्रम है। तो इसी निमित्त हम आए और आज इसका हम आनंद लेंगे। राधे राधे। मैं प्रीति गुप्ता निगम पार्षद गोंडा क्षेत्र से उत्तरी पूर्वी से, मैं श्री जन्माष्टमी समारोह और अपने बासी सभा परिवार को हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और ये मंच बासी सभा का बहुत बड़ा मंच है और ये कार्यक्रम इतने उत्साह से मनाया जाता है। हम एकजुट होकर एक कार्यक्रम में हम अपने वाष्णेय परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम जहाँ जहाँ इसकी पताका फैलती है वहाँ वहाँ हम लोग जाएंगे और अपने समाज को जोड़ेंगे। बहुत खुशी का दिन है कि आज हम अपना कृष्ण जन्माष्टमी बांके बिहारी का जन्मदिन मना रहे हैं और हमारे समाज ने इस साल 21 साल बेमिसाल, वास्तव में हमारे इस कार्यक्रम में जान डाल दी सभी लोगों ने कि 21 साल का हमारा ये कार्यक्रम हुआ है तो बेमिसाल तरीके से मनाया। इस कार्यक्रम में दिल्ली ही नहीं, बदायूं से हमारे MLA महेश गुप्ता जी भी आए थे, इस्लाम नगर से वीरेंद्र लीडर जी भी आए थे एवं अन्य संस्थाओं के लोग भी आए थे, PST आई थी, पलवल से, मथुरा से, इवन बहजई से हमारे पतंजलि के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुराग वाष्णेय, बहुत प्रसिद्ध हैं, वो भी आए थे इस कार्यक्रम में। हम उन सभी का साधुवाद देते हैं और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी कार्यकारिणी मनोज गुप्ता जो कि सेक्रेटरी हमारे, पुनीत सरद, CMA लक्ष्मी नारायण, सुरंग कुमार सोनू ये उपाध्यक्ष हैं, और त्रिनगर से हमारा छोटा भाई सचिन वाष्णेय एवं संजीव वाष्णेय जो कि CA क्लास चलाते हैं, डॉक्टर सौरभ एवं और भी अन्य थे, साथी थे हमारे जिन्होंने इस कार्यक्रम को 3 महीने से लगातार तैयारी करा रहे थे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं उन सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। मैं मनोज गुप्ता, महासचिव श्री वैश्यवाष्णेय कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा दिल्ली NCR, आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज हम यहां यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये हमारा 21वां जन्मोत्सव है और 21 साल बेमिसाल की थीम पर यहां पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमने श्रीमती मनीषा रावत,
और श्री हीरा पागल गोस्वामी जी को आमंत्रित किया है भजन संध्या के लिए। उसके अलावा 3000 से अधिक वाष्णेय समाज से विभिन्न परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सुबह हमने मेधावी छात्र सम्मान किया, उसके बाद स्मारक का विमोचन और उसके बाद एक महिला शक्ति का, सिर्फ वाष्णेय समाज की महिलाओं का एक शानदार कार्यक्रम हुआ जिसमें लगभग 90 महिलाओं ने भाग लिया। वीरेंद्र लीडर, पूर्व चेयरमैन इस्लाम नगर बदायूं, उत्तर प्रदेश से आया। आज ये आयोजन इन्होंने जो आयोजित किया है, द्वापर में भगवान कृष्ण के पिता बसदेव जी थे, ठीक है, और बसदेव जी के महाराज जी के वशिष्ठ जी हुए, उन्हीं के नाम से ये बिरादरी वाष्णेय समाज, और ये बड़ा तरक्की कर रहा है, लोगों की मदद करते हैं और लोग में घुल मिल के रहते हैं, यही जीवन का खेल है। इस बिरादरी में MLA, MP, IAS, IPS ये हैं, इससे हमारे हमको बड़ा अच्छा लगता। मेरा नाम कमल किशोर वाष्णेय है, मथुरा निवासी हूँ। श्री अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन का मैं प्रधान हूँ वृंदावन से, और आज जो कार्यक्रम है दिल्ली में है, वो दिल्ली की करीब 30 फ्रंटल इकाइयाँ हैं, सहयोगी संस्था है, और आप देख रहे हैं कितना भव्य रूप से ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है, और कुछ ना कुछ हर वर्ष कुछ ना कुछ प्लस ही होता है इसमें। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, सवेरे हवन पूजन से कार्यक्रम शुरुआत हुई थी, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह के अध्यक्ष श्री अरविंद जी और उनके समस्त कारीगरों को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने है। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी है? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो वैश्य वर्षणी कुल में जन्म जिन्होंने लिया, वाष्णेय वंश जिनसे चल रहा है, अक्रूर जी महाराज जिनके चाचा थे, उस वंश को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके जन्मोत्सव को यह संस्था पिछले 25-30 सालों से लगातार मनाया जा रही है। हालांकि जन्माष्टमी हम लोग 1960 से मना रहे हैं दिल्ली में, एक रथ यात्रा के रूप में निकाला करते थे, लेकिन इस भव्य तरीके से हम लोग 2002 से हमने प्रारंभ किया, और आज इस स्थल पर आप देख रहे हैं कि यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हम उसे मना रहे हैं। लगभग 4-5 हजार लोग तो आज आपने देखा होगा कि इस स्टेडियम के अंदर ही थे। इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम श्री कृष्ण जी की प्रेरणा, उनकी प्रेरणा या उनके ज्ञान या उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया हमें, उसको हम लोग अपने जीवन में फलीभूत करें, उसको धारण करने के लिए हम ये कार्यक्रम मनाते हैं। देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को करते हुए हमें 21 साल हो गए, और इस बार का नारा दिया है 21 साल और बेमिसाल, और 21 साल से हम निरंतर कार्य करते आ रहे हैं, और ये डे बाई डे जो है वो धूम मचाता जा रहा आ रहा है, और देश विदेश से, आज हमारे विदेश से भी कनाडा से भी आए हुए हैं विरोध वाष्णेय, वो भी इस प्रोग्राम में शारिक हुए हैं। अब आप देखिए कि इंडिया के अलावा भी कनाडा से भी लोग इस प्रोग्राम को देखने आ रहे हैं, इतनी हमारे प्रोग्राम की इसकी धूम मची हुई है, और दिन ब दिन, डे बाई डे हमारा प्रतिवर्ष जो है इसका निरंतर विकास होता जा रहा है, और पब्लिक बढ़ती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, एक ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप लेते जा रहा है। इसके जैसा प्रोग्राम हमारे वाष्णेय समाज में जो हर साल धमाल मचाता है, और हमारी ये लेडीज ग्रुप की महिलाएं हैं, ये तो हर साल मचाती ही हैं धमाल, और इनकी वजह से ना हमारे उसमें जो इस फंक्शन में मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रंग लाती हैं। तो ये मैं यही कहती हूँ कि मेरी ये महिलाएं, मेरी ये जो सखियां हैं, ऐसी आगे धमाल मचाती रहे, और डे बाय डे हमारा ये प्रोग्राम आगे काफी मतलब इंटरनेशनल है उसमें, तो हाँ इंटरनेशनल उसमें और भी हो, हाँ लोग आए हुए हैं वैसे भी कनाडा से, तो ये मैं यही बोलूंगी कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसकी कोई। जन्माष्टमी समारोह हमारे वाष्णेय समाज की सारी संस्थाएं जो हमारे दिल्ली और दिल्ली से अन्य जो देश की अन्य संस्थाएं हैं, सारी मिलके ये प्रोग्राम विशाल रूप लेके ये प्रोग्राम करती हैं, और इस प्रोग्राम में हर साल इसकी कैटेगरी लेवल ऊपर होता जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि हमारे जो छात्र हैं
हैं उनको प्रोत्साहित के रूप में यहाँ पे इनाम दिया गया है। और हमारा लेडीज का लगभग 100 के करीब लेडीज हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने देश की संस्कृति को विशाल रूप से स्टेज पर समाज के उसमें स्टेज पर लाया है। नमस्कार, मैं रेखा गुप्ता, सांस्कृतिक सचिव जन्माष्टमी सभा की। और क्योंकि सांस्कृतिक सचिव हूँ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होना, भव्य होना बहुत जरूरी है। इसमें हमारे जो वाष्णेय समाज की ही 90 महिलाओं और बेटियों ने ये कार्यक्रम किया, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जो मंच से सुपर डुपर हिट साबित हुआ, क्योंकि लोगों की तालियां, लोगों की तारीफों ने हमारा दिल खुश कर दिया। और हम आगे भी इसी तरीके से सांस्कृतिक भव्य कार्यक्रम देते रहेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देती हूँ। और जन्माष्टमी का कार्यक्रम महोत्सव है, कृष्ण जन्म का महोत्सव है, और इस उत्सव में हम सब ना नाचे ना झूमे ना गाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। कान्हा के प्यारे गोपी हैं हमारे, और मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूंगी क्योंकि मैं बहुत खुश हूं आज। कार्यक्रम बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। पूरे दिल्ली से, NCR से ही नहीं, भारत के और भी कोनों से लोग यहां पर आकर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हालांकि हमारे ये प्रोग्राम ये अपना G20 की मीटिंग की वजह से लेट हो गया। इन्होंने मीटिंग हमारा जो वेन्यू था वो कैंसिल होकर 10 तारीख से 24 तारीख में कन्वर्ट कर दिया, तो थोड़ा सा लेट प्रोग्राम हो गया। बट मेरा नाम संजीव वार्ष्णेय है और मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ लक्ष्मी नगर में। CA की क्लासेस चलाता हूँ, पिछले 24-25 साल से पढ़ा और 50,000 से ऊपर स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ। आगे बताइए, क्या बता रहे जी, आज के कार्यक्रम में आए हैं, कैसा लगा कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम? ये जो हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम है ये वाकई बिल्कुल अतुलनीय है और पिछले कई सालों से मनाया जा रहा है और ये हमारा नेशनल लेवल पर मनाया जाता है दिल्ली के अंदर। और इसको सफलतापूर्वक आज जो इसका अंत होने जा रहा है, हम करने जा रहे हैं, इसको एंड करने जा रहे हैं, इसमें हमारे प्रेसिडेंट अरविंद वार्ष्णेय जी और सचिव जी, महासचिव जी मनोज गुप्ता जी और कोषाध्यक्ष पुनीत सर जी ने बड़ी चीजान से मेहनत की है। मैं पिछले देख रहा हूँ 3 महीने से बिल्कुल इन्हों को टाइम नहीं मिला है बेचारों को, उन्होंने बहुत मेहनत की है और आज वाकई में प्रोग्राम बहुत शानदार हुआ है। अब तक का मैं समझता हूँ सबसे अच्छा शानदार प्रोग्राम हुआ है। मेरा नाम शैलेश गुप्ता है और मैं संस्था में एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 10 साल से मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और संस्था में इस समय करीब 1500 परिवार दिल्ली NCR के जुड़े हुए हैं और ये इस बार 21वां साल, बेमिसाल इसका हमने टाइटल रखा हुआ है। जैसा कि आपने देखा आज के प्रोग्राम में हीरा पागल गोस्वामी जी और दूसरे जो कलाकार आए हुए हैं मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, और आज जिस तरह की आपने देखी होगी उपस्थिति, मंच भरा हुआ है। आज श्री वैश्य वार्ष्णेय कृष्ण जन्माष्टमी समारोह द्वारा मैं सचिन कुमार वार्ष्णेय, संस्था का संयोजक, हर वर्ष की तरह एक बहुत ही अच्छा हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया। कार्यक्रम के अंदर दूर दूर से वार्ष्णेय युवाओं ने और हमारी नारी शक्ति ने बहुत ही एक विशाल भव्य रूप में अपना प्रदर्शन करा, जिसमें अलग अलग राज्यों के नृत्य को प्रस्तुत किया गया। क्या कुछ आकर्षित रहा इस पूरे कार्यक्रम? इसका सबसे बड़ा आकर्षण तो आज की डेट में नारी शक्ति रहा और नारी शक्ति का जो नृत्य था मनमोहक, दिल से किशन जी याद आ गए, किशन जी का जन्म याद आ गया। राधे राधे, जय श्री राधे। मैं लक्ष्मी नारायण, सभा का उपाध्यक्ष। हर वर्ष की भांति हम लोग जन्माष्टमी सभा का बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम मनाते हैं। आज यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये मौका मिला हमें प्रभु का नाम लेने का। हम सभी लोगों ने ईश्वर को अपने बीच में साक्षी बनाया और प्रभु से हमने आने वाले भविष्य के लिए कोशिश की, शुभकामना मांगी कि हम इसी तरीके से आपके प्रभु नाम कैसे लेते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय अक्रूर जी महाराज की। आज हम सब दिल्ली में 21वां कृष्ण जन्माष्टमी समारोह मना रहे हैं और यह हर वर्ष की तरह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें इस बार नारी शक्ति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 1.5 घंटे का नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस दिया है उन लोगों ने, जो हम लोगों की समझ के बाहर था, और हम आशा करते हैं कि समाज के लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे और पुरुष लोग भी।
जिससे कंपटीशन हो जाए। हम चाहते हैं कि दिल्ली नहीं पूरे भारतवर्ष के लोग इस समारोह में बढ़ चढ़ के भाग लें। श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है उसको अपने जीवन में उसका निर्वाह करें, और मेरी सबसे सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, यही मेरी भावना है, शुभकामनाएं है। अरविंद जी ने बहुत अच्छा काम किया, मनोज जी ने बहुत अच्छा काम किया, समस्त कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा काम किया, सबको धन्यवाद। कृष्णा, मैं हूं संतोष टंडन, और आज बारसने समाज का ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन G20 की वजह से इसका डेट थोड़ा आगे पोस्टपोन करना पड़ा, और बड़े ही धूमधाम से आज यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमें लगता है जितने भी हमारे बारसने समाज के साथी हैं, अलग अलग लोग, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में अपनी बारसने समाज का नाम रोशन किया, उन सभी साथियों को एक साथ इस मंच पे देखते हैं, और ऐसे ही बारसने परिवार आगे बढ़ता जाए। जन्माष्टमी की पुनः थोड़े देर से ही, लेकिन हमारे पूरे समाज के साथियों को बहुत सारी बधाई, ऐसे ही हमारा वार्षिक परिवार बढ़ता जाए।